नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइव गुरु चैनल में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दी। इसी के साथ ही आरसीबी की प्लेऑफ में जाने की उम्मीद भी अभी बरकरार है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए थे और जवाब में आरसीबी ने सिर्फ 2 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। लेकिन इस मैच में गुजरात की बल्लेबाजी के दौरान एक ऐसा वाक्य देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जब गुजरात का एक बल्लेबाज आउट हुआ तो उन्होंने अग्रेशन में आकर एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद बीसीसीआई को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा वाक्य क्या है। बता दें कि आरसीबी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने आए गुजरात के बल्लेबाज मैथ्यू वेट को इस मैच में बदतमीजी करते हुए देखा गया। दरअसल हुआ यूं कि गुजरात की पारी का 6ठा ओवर ग्लेन मैक्सवेल लेकर आए, तभी इस ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू वेट ने एक स्वाइप खेलने की कोशिश की लेकिन वो चूक गए और बॉल उनके पैड पर जा लगी। और इस दौरान आरसीबी के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और मैदानी एम्पायर ने मैथ्यू वेट को आउट दे दिया। इसके बाद वेट ने फैसला किया कि वो रिव्यू लेंगे। बता दें कि रिव्यू लेते वक्त मैथ्यू वेट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके बल्ले से लगी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिव्यू में देखने को मिला कि गेंद बल्ले को नहीं लगी है, जिसके बाद वो आउट हो गए। आउट होने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, जिसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर हेलमेट को फेंक कर मारा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बैट को भी कई बार जमीन पर पटका, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि मैथ्यू वेट की इस हरकत के बाद बीसीसीआई ने भी उन पर कड़ा एक्शन लिया। दरअसल बीसीसीआई ने मैथ्यू वेट को आईपीएल आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 के तहत लेवल 1 का अपराधी माना है। बीसीसीआई ने मैथ्यू वेट को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कड़ी फटकार लगाई है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।